हमारे दिन की शुरुआत होती है हैप्पीनेस से, और हैप्पीनेस की शुरुआत होती है माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस के अंदर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि माइंडफुलनेस के दौरान आप किस तरह फील करते हैं। यस, जब आप माइंडफुलनेस की एक्टिविटी चलती है हमारी, तो हमें किस तरह की फीलिंग आती है और माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट है माइंडफुलनेस से? यस सर, इससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो सकती है, रिलैक्स हो जाती है बॉडी। ओके, संध्या ने बताया रिलैक्स हो जाती है। पीछे से का हाथ खड़ा है सर, इससे हमें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी है ही नहीं, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अच्छा लगता है और रिलैक्स फील होता है। और हाँ जी सर, जब मैं माइंडफुलनेस गतिविधि कर रही माइंडफुलनेस जब मैं गतिविधि कर रही थी, तो जब मैं सांस ले रही थी, जो सांस ले रही थी वो ठंडी ठंडी आ रही थी, और जो छोड़ रही थी तो वो गर्म आ रही थी, और जो ये धूप थी ना, तो ऐसा लग रहा था एकदम आराम से बैठ रखे हैं, और आंखें मतलब जब आपने बोला आंखें खोलने को, तो एकदम आराम से आंखें खुली थी मेरी, एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स हो गया था। रिलैक्स आपको? ओके ओके, और बताइए कैसा लगता है आपको, क्या बेनिफिट आपको लगे इस माइंडफुलनेस की एक्टिविटी से? आसपास की चीजें महसूस भी कर सकते हैं, आसपास की चीजों को महसूस करते हैं सर। मुझे मतलब आसपास की चीजें महसूस नहीं हो रही थी, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस मुझे ना सुबह की बात जो थी वो याद आ रही थी, और एकदम रिलैक्स हो जाता, तो ये धूप आ रही है वो एकदम रिलैक्स कर दे रही थी, वैसे सेक नहीं जाता सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा फील हो रहा था सर। अच्छा फील हो रहा था आपको, और